हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर कैरोली टेकोक्स की। बात सन 1920 की है। कैरोली टेकोक्स हंगरी सेना का एक नौजवान सैनिक था जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता और इसी का परिणाम था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर्स में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली थी और सभी को यकीन हो चला था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में उसने अपना दाएं हाथ गंवा दिया। इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया। वह एक महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा और उसके बाद जब वह बाहर निकला तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दाएं हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता, अपने भाग्य को कोसता या लोगों से कटने लगता या डिप्रेशन में चला जाता और अपने ज़िंदगी के मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन से दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला ये लड़का तो किसी और ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपना वो हाथ खो दिया जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए, बल्कि उसने सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार हो गया तो क्या, अभी भी मेरे पास भगवान का दिया एक और हाथ है जो पूरी तरह से ठीक है और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड बनाकर रहूँगा। और अपने इस एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग एक साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देख बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने पर भी वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए आया है। लेकिन जल्दी ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अदम्य साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का बेस्ट शूटर बनने का सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है, पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे ही पड़ गया हो। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गए और सीधे 1948 लंदन ओलंपिक्स। इस बीच कितने ही नए शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। कहा अपने प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहा इतने सालों बाद अब बाएं हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। लेकिन उसे इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा और लंदन ओलंपिक्स में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने उतरा। उसके साहस और उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में पास हो गया और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। वो लगातार दो गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता बने। धन्यवाद।